नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है। अब तक हम बहुत सारे महान लोगों से मिले हैं, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिनको हमने तीसरी बार अपने चैनल पे बुलाया है, वो तीसरा एपिसोड, तीसरा इंटरव्यू हम लोग उनका लेने जा रहे हैं। पहले हम उनका एक वीडियो प्रोफाइल देखते हैं। कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं कि मैं ही बात कर रहा हूं, कोई और भी बात करे, लेकिन काम होना चाहिए। इफ यू आर अ गुड कम्युनिकेशन मल्टीप्लायर, यू आर अ गुड सेल्स पर्सन। जस्ट कम्युनिकेटिंग एंड बीइंग अ कम्युनिकेशन मल्टीप्लायर इज अ डिफरेंट थिंग। कमिटमेंट कैन नॉट बी 10%। आज के बाद अगर कोई कमिटमेंट करते हो तो वो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 भी है तो मत कर। अगर कुछ करना है तो 100% का कमिटमेंट करना। आज हमारे मेहमान हैं टाइगर संतोष नायर साहब। ये आपने जो एक साल पहले शुरू किया था चैट विद सुरेंद्र वत्स यूट्यूब चैनल, आपने शुरू किया, ये उस रेवोल्यूशन का एक पहला पड़ाव है। और मेरा चाहत रहेगा कि हम और आप मिलके डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में बहुत कुछ ज़्यादा और करें। इसके बारे में मेरे बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बट पहले, सबसे पहले आपको धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस, many wishes to you for launching this and bringing a direct sales revolution. एक revolution ही आपने इंडिया में लाया, इसके लिए बहुत ही आभार मानता हूँ आपका। लोग क्या करते हैं, लोग आउटकम की तरफ देखते हैं और निराश हो जाते हैं, क्योंकि आउटकम बहुत बड़ा होता है। न्यूज़पेपर का धंधा करके कोई आदमी आज तक बड़ा आदमी नहीं बना। और हमारे गली का जो कुलकर्णी है, 35 साल से न्यूज़पेपर डाल रहा है, वो अभी आया है स्कूटर पे, तो तू भी बहुत बड़ा आदमी नहीं बनेगा। जब कोई भी आदमी अपना फील्ड को बदलता है, उसे उस प्रोफेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। यही मैंने स्वामीनाथन अय्यर से पूछा था, उसने कहा कि सेल्स में आ जा, अपनी चाहतों को पूरा कर। मैंने, यार सेल्स के बारे में तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं। तब उसने कहा कि कोई भी आदमी कोई भी क्षेत्र में आने के पहले उस क्षेत्र के बारे में तो उसे मालूम नहीं होती, कि आप हमेशा अपने आप को बेहतर बनाते जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, आज से उठेंगे, आज से योगा करेंगे, आज से जॉगिंग करेंगे, आज से नॉनवेज छोड़ देंगे, आज से तलावा छोड़ देंगे, आज से हम शक्कर छोड़ देंगे। तो हम तो 6 आदत को बदलने के चक्कर में हैं एक ही दिन में। 4 दिन तक करोगे फिर इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि आप सब कुछ उठा के फिर चालू कर दोगे। आप अभी डायमंड हो गए, अभी क्राउन डायमंड पर। अब आप क्राउन डायमंड बन गए, फिर कंटिन्यूटी। 6वां सी बहुत इंपॉर्टेंट। लोग क्या करते हैं, 5वें में रुक जाते हैं। सर, आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। हमने आपका इंटरव्यू डाला सर, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए, मैंने कभी इतने कमेंट्स नहीं देखे। अगर आपकी इजाजत है कुछ प्रश्न लो सर। प्लीज, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। मिस्टर संदीप का प्रश्न है, सर आई ऑलवेज कन्फ्यूज अबाउट माई गोल, इट फ्लक्चुएटेड एवरी टाइम, हाउ टू सेट ए क्लियर गोल। ओके, देखिए, आप बोल रहे हैं कि आपने गोल सेट किया और फ्लक्चुएट होते हैं। किसके परमिशन से फ्लक्चुएट हो रहा है? आप ही के परमिशन से फ्लक्चुएट हो रहा है। जब आपने एक बार डिसाइड कर दिया कि आपको होंडा सिटी लेना है, आपको बस उसके पीछे पड़ना। अभी बीच में आपको ख्याल आएगा कि मैं दूसरा गाड़ी ले, हुंडाई ले लूँ, मैं दूसरा को स्कोडा ले लूँ, नहीं। आप एक चीज डिसाइड कीजिए। कहते हैं जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं ना, उनकी निशानी होती है डिसाइड, फोकस, एक्ट। मतलब जो चीज आपने डिसाइड किया उसी पे आपको फोकस करना, हर एक्शन उसी संदर्भ के डायरेक्शन में होना चाहिए। डिसाइड, फोकस एंड एक्ट। तो ये सबसे पहला, तो आप एक गोल डिसाइड जब करते हैं, उसको जब तक अचीव नहीं करते तब तक आप दूसरा गोल ना बनाइए। ओके, राइट। और उसी पे फोकस कर। अब ये लड़की पटानी है, बस इसी को पटानी है। बीच में फिर वो लंबे बाल वाली दिख गई, और फिर फुल लिप्स वाली दिख गई, फिर एक IAS ऑफिसर का बेटी दिख गया, नहीं। आपने ये शबनम को देखा है या शालिनी को देखा है, डिसाइड कर दो,
फोकस एक्ट का मतलब है इसी के पीछे पढ़ना है। ऑल्टरनेटिव में हमेशा एक अच्छी बुरी बात हो सकती है, लेकिन ऐसे ऑल्टरनेटिव पे जाएंगे तो आपका कैरेक्टर यू नो स्ट्रांग नहीं है ऐसा लोग बोलेंगे। तो एक बार डिसाइड करना है उसी के ऊपर आपको काम करना है। दैट्स ग्रेट सर। सूरज मोजे का प्रश्न है, डायरेक्ट सेलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री, इसका फ्यूचर भी ब्राइट है, लेकिन इस इंडस्ट्री में अभी तक इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट टाटा बिरला महिंद्रा अंबानी इनकी नज़र क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि ये रोज ग्रोइंग इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं, फ्यूचर देखते हैं और अपना योगदान देते हैं। यू नो यूनिलीवर जो है सर, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने हिंदुस्तान यूनिलीवर नेटवर्क बनाया था। यस, अब इनकी नज़र पड़ी नहीं ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली सरफिरी लोगों का इंडस्ट्री है और इसमें एकदम ग्रास रूट से काम करना पड़ेगा। और ये जितने भी बड़े कंपनियां हैं, इन्होंने जब अभी नया डिवीजन, अभी समझो रिलायंस ने रिलायंस ज्वेलरी चालू किया या रिलायंस जियो चालू किया, इन्होंने हमेशा एक आदमी जो काम करता है उसको लगा के उसने किया है। ये काम सिर्फ एक बिजनेसमैन ही कर सकता है, और जब बिजनेसमैन स्टार्टिंग से उसको उठाता है, जैसे RCM हुआ या जितनी भी कंपनियां हैं, ये एक ओनर ड्रिवन बात होती है, एक ओनर को चालू करना पड़ता है। और 4-5 हज़ार कंपनियां आज इंडिया में हैं, सभी एंटरप्रेन्योर ही है, कोई 5,000 करोड़ की कंपनी है, कोई 10,000 करोड़ की कंपनी है, कोई 3,000 करोड़ की कंपनी। हम टाटा बिरला कुछ कोई चीज़ से कम नहीं है, उनको हमारे जैसा बनने के लिए एक जन्म लगेगा, उन्हें बहुत टाइम लगेगा उस चीज़ को समझने के लिए, और एम्प्लॉइज से ये काम होने वाला नहीं। ये तो जो काम करने वाला व्यक्ति है वही सिखाएगा। ये जो ओनर है वो भी एंटरप्रेन्योर है, जो डायमंड है वो भी एंटरप्रेन्योर है, जो फ्रंट लाइन है वो भी एंटरप्रेन्योर है। अभी इनको आदत नहीं है प्योर एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करने की, इसके लिए इन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। इनमें बहुत हिम्मत वाले होंगे तो हम में से किसी को पकड़ के वो लोग वो भी चालू कर देंगे। यूनिलीवर ने चालू किया था, यूनिलीवर ने चालू किया था, अभी है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन उसमें भी कॉन्सेप्ट यही था सर, वहाँ पे जो एम्प्लॉय थे उनके, एम्प्लॉय ड्राइव कर रहा है, वो ट्रेन करते थे कि आपको कामयाबी कैसे मिलेगी। ना 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 ना, वो नहीं हो सकता है, ये प्योरली इट इज फॉर द एंटरप्रेन्योर्स, बाय द एंटरप्रेन्योर, ऑफ द एंटरप्रेन्योर एंड फॉर द एंटरप्रेन्योर। ये सिर्फ धंधे वालों के लिए, धंधे वाले ही बनाते हैं, धंधे वाले ही इसको चलाते हैं, और नौकरी पेशा करने वाले घबराए हुए इंसानों के लिए जिनको इनसिक्योरिटी से, ये उन लोगों के लिए है जो जो डिमांड नहीं करते सेफ्टी सिक्योरिटी गारंटी और प्रेडिक्टेबिलिटी। दैट्स ग्रेट सर। हरिंदर सिंह रेखी का प्रश्न है, आई हैव वॉच्ड सो मैनी वीडियोज ऑफ संतोष नायर सर, आफ्टर वीडियो आई फील सो मोटिवेटेड बट आफ्टर सम टाइम इट डज नॉट वर्क। My question is how I can upgrade myself without any external help. हरिंदर जी, सबसे पहला तो जब आप मेरे वीडियो देखते हैं तो आपने कहा मोटिवेट होते हैं, करेक्ट? वो मेरा मोटिवेशन था जो मैं आपको ट्रांसफर कर रहा था, वो आपका तो था ही नहीं, वो आपकी थी ही नहीं तो आपके पास रहेगी कैसे? वो तो मेरी थी जिसको सुन के, जैसे आज आप मेरी बातों को सुन के बहुत इंस्पायर हो जाएंगे, लेकिन वो तो मेरी 35 साल का मसाले की वजह से मैं मोटिवेट कर पा रहा हूँ, और वो मसाले की वजह से मैं जब ऐसा बात करता हूँ तो आप ये मसाले की वजह से सुन के प्रभावित होते, तो प्रभाव तो 2-3 दिन से ज़्यादा कैसे रहेगा जब तक वो क्वालिटी आप में नहीं आती है। तो जैसे इंटरव्यू के स्टार्टिंग में मैंने कहा कि आपको क्षेत्र चुनना है, अमिताभ ने एक्टिंग चुन ली, शबाना आजमी ने एक्टिंग चुन ली, विश्वनाथन आनंद ने चेस चुन लिया, विराट कोहली ने क्रिकेट चुन लिया, इन्होंने और मैंने डायरेक्ट सेल चुन लिया, आपने भी अगर डायरेक्ट सेल चुन लिया तो ये प्रोफेशन हो गया। अभी आपको प्रोफेशनल बनना है, आपको 4 E's जो है, पहला वाला ई कंप्लीट करना, ई लगातार अपग्रेड कीजिए, पहला वाला ई एजुकेशन उसको लगातार अपग्रेड कीजिए, 1% 1% 1% 1% 1% 1% कैसे आप इम्प्रूव सेल्स में पूरा जो स्पैंको का प्रोसेस, सस्पेक्टिंग कैसे करना, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना, अप्रोच कैसे करना है, कस्टमर को अप्रोच करें, ओपनिंग कैसे करना, प्रूविंग कैसे करना, सपोर्टिंग कैसे करना, मोटिवेटिंग कैसे करना, क्लोजिंग कैसे करना, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना, बोलना कैसे, बैठना कैसे, कपड़े क्या पहन, सब इंप्रूवमेंट करते रहिए और रिजल्ट आएगा, तो फिर पैसे आएंगे, मोटिवेटेड आप यहां रहेंगे। दैट्स ग्रेट सर। वीरेंद्र तिवारी जी का प्रश्न है, और शायद ये प्रश्न इसलिए आया क्योंकि उन्होंने बहुत आपको सुना है, वो पूछ रहे हैं इस समय संतोष नायर साहब
कितने रुपए की घड़ी पहनते हैं? 560,000 रुपये। अच्छा, दैट्स ग्रेट सर। चंद्रभान स्मार्ट वैल्यू, इनका प्रश्न है, आदतें सुधारते तो हैं लेकिन कंटिन्यू हर वीक हर मंथ फॉलो नहीं होता, इसके लिए क्या करें? फॉलो आपके परमिशन से नहीं होता, आप परमिट कर रहे हैं ना, किसके परमिशन से नहीं हो रहा, आपके परमिशन से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जैसे आदतों से आप मजबूत हो चुके हैं, आपको हर आदत को सस्टेन करना है। और आपको देखिए, मेरा ये मानना है, गोल के पीछे जाएंगे तो जैसे गोल अचीव हो जाएगा, आपका मोटिवेशन खलास हो जाएगा। आर यू, आई एम प्लेइंग द गेम ऑफ लाइफ फॉर लाइफ, राइट? मैं जिंदगी भर के लिए अपनी काबिलियत डेवलप कर रहा हूं, मैं उस गोल के लिए नहीं काबिलियत डेवलप कर रहा हूं। सेल्स की एबिलिटी इसलिए डेवलप कर रहा हूं कि जीवन भर ये मुझे काम में आएगा। तो आपको भी हर कैपेबिलिटी को जीवन भर के लिए डेवलप करना है और तब जाके आप यू नो लंबा टाइम तक इसकी वजह से प्रभाव कर पाओगे। मैं अपना एक एग्जांपल देता हूं सर। मैं, हमारी कंपनी में जो सबसे बड़ा लेवल है वो डायमंड का है। तो डायमंड बनने से पहले मेरे अंदर बहुत एनर्जी थी, मैंने खूब मेहनत की और मैं डायमंड बन गया। और मैंने महसूस किया कि डायमंड बनने के बाद में मेरा एनर्जी लेवल बिल्कुल ख़त्म हो गया, मतलब सुस्त सा रहने लग गया, कुछ ऐसा बीमार सा हो गया। मैं बड़ा परेशान कि ये क्या हो गया, मतलब इतनी बड़ी अचीवमेंट मिल गई मेरे को। फिर मैंने चेक किया कि आगे मेरा गोल ही नहीं हुआ। ये इसलिए क्योंकि आपने जो जो डेवलप किया था ना क्वालिटी, वो डायमंड के लिए था, वो लाइफ के लिए नहीं था। वो क्वालिटी जो है, यू हैव टू, आर यू वॉन्टिंग टू अचीव द गोल और आर यू वॉन्टिंग टू प्ले द गेम ऑफ लाइफ फॉर लाइफ? आई एम प्लेइंग द गेम ऑफ लाइफ फॉर लाइफ, आई एम अपग्रेडिंग माई सेल्फ फॉर लाइफ, नॉट फॉर डायमंड। डायमंड तो रस्ते पर चलते चलते एक पड़ा, एक माइल स्टोन था जिससे मैंने अचीव कर दिया। अब मैं और भी माइल स्टोन, अब मैं 50 डायमंड और बनाना चाहता हूँ मेरे टीम में, वो मेरा माइल स्टोन हो जाएगा। फिर 500 और बनाना चाहूँगा, फिर बहुत सारी दूसरी चीज़ें करना चाहूँगा, जैसे आपने अभी ये चैनल को शुरू किया। तो ये सब माइल स्टोन्स हैं। तो आप जब भी कोई चीज़ को डेवलप करते हैं, यू आर डूइंग इट टू प्ले द गेम ऑफ लाइफ फॉर लाइफ। वंडरफुल सर। इरमा चौहान का प्रश्न है, मेरे मेंटर नायर साहब से पूछना चाहता हूं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तक MLM की बात पहुंचाई जाए और जब देश को संबोधित करते हैं उस वक्त MLM की बात किया जाए, तो ऐसा लोग, मतलब लोगों को लगता है कि नायर साहब कुछ भी कर देंगे, तो कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री तक बात पहुंचाइए। नरेंद्र मोदी तक बात पहुँचानी है MLM इंडस्ट्री का, ठीक है, आपने बता दिया, हमने सुन लिया, अब देखते हैं इसे कैसे पहुँचाना है। That's great. हमारे कई वीडियो के माध्यम से हम इससे बात करेंगे। वैसे मैं मोदी साहब को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आपको भी खड़े रह के इसके बारे में प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि आपके पीछे भी ऑपोजिशन पड़ा हुआ है कि नौकरियाँ कहाँ हैं, नौकरियाँ कहाँ हैं, नौकरियाँ कहाँ हैं। आपको भी अंदर से मालूम है और हमें भी अंदर से मालूम है कि नौकरियाँ पैदा नहीं हो रहा है। आप राहुल गांधी को बिठाओ तो भी वो नौकरी नहीं पैदा कर पाएगा। कुछ सुपरफिशियल कामें होंगी, बट रियल कंटिन्यूस ग्रोथ वाला एक ही इंडस्ट्री है और वो है डायरेक्ट सेल्स। आपको भी प्रोत्साहन करना चाहिए। तो सुरेंद्र वत्स साहब के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त करूंगा कि आप इसके ऊपर नज़र डालिए, आपके भाषणों में इस इंडस्ट्री के बारे में बात कीजिए, ताकि यूथ ऑफ इंडिया, वैसे भी आप पे प्रभावित है, आप बोलते बहुत अच्छा है, तो बहुत सारे यूथ आपके इस बात पे आ सकते हैं और इस इंडस्ट्री को एक मान्यता, एक सम्मान और एक इज्जत आपकी वजह से और मिल सकता है। तो इरमा जी, मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसके ऊपर करूँगा। अगर हम लोग अमेरिका की बात करें ना सर, विल क्लिंटन के बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें मैं, वो जब राष्ट्रपति थे, ओपनली बोल रहे हैं अपने लोगों को कि आप डायरेक्ट सेल से जुड़िए, इससे देश की इकोनॉमी भी ग्रोथ होगी और अपने साथ साथ में दूसरे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं आगे बढ़ने का। और डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो प्रो MLM है, तो मुझे लग रहा है इंडिया में भी ये सिचुएशन तो आएगी। बिल्कुल, जितने भी बहुत बड़े करोड़पतियां हैं अमेरिका में, मिलियनेयर्स जो है सर, वो डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री से ही है। जो सर, दैट्स ग्रेट सर। विश्वजीत कुमार का प्रश्न है सर,
ये पूछना चाह रहे हैं सर कि आप 55 की उम्र में भी बचपन के दिखते हैं, तो आपका डेली शेड्यूल क्या है? मैं सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं चलने के लिए जाता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा योगा करता हूँ और मेडिटेशन करता हूँ, और 1 घंटा रोज़ मैं पढ़ता हूँ और 1 CD 1 घंटा सुनता हूँ, तो टोटल 3 घंटा अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, धार लगाता हूँ, रियाज करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, जैसे वीरेंद्र कोहली जो है, विराट कोहली जो है, वो 4 से 5 घंटा प्रैक्टिस करता है, मैं 3 घंटे अपने सुधार में इम्प्रूवमेंट करता हूँ। रोज़ रात को सोने के पहले मैं एक विक्ट्री बुक लिखता हूँ, एक विक्ट्री बुक लिखता हूँ रोज़ रात को सोने के पहले मैं एक विक्ट्री बुक लिखता हूँ, जैसे तो 3 विक्ट्री, विक्ट्री 1, विक्ट्री 2, विक्ट्री 3, आज मैंने ज़िंदगी में 3 जीत कौन से हासिल की, पहला जीत क्यों, वो एक विक्ट्री है, और उस विक्ट्री को मजबूत करने के लिए मैं क्या कदम लूँगा और उसके लिए क्या एक्शन लूँगा, तो ये 3 विक्ट्रीज मैं लिखता हूँ। फिर 3 इंसान जिसके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, दिस नोन एज ग्रैटिट्यूड, तो ये एक इंसान के प्रति मैं ग्रैटिट्यूड है, वाई एम आई ग्रेटफुल, हाउ विल आई एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड, और मैं इस ग्रैटिट्यूड को व्यक्त कैसे करूँगा, ऐसा लिखता हूँ। और 2 लेसन मैंने ज़िंदगी में आज क्या सीखे, 2 हादसे हुए, 2 इंसिडेंट हुए, 1 इंसिडेंट हुआ, जैसे आज मेरे को ये फीडबैक मिला था, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छी क्या बात हुई, बुरी क्या बात हुई उस इंसिडेंट में, अगर ये इंसिडेंट ज़िंदगी में वापस आए तो मैं क्या वैसे ही बिहेव करूँगा जैसे मैंने आज बिहेव किया, कि क्या मेरा बिहेवियर अलग होगा, तो बिहेवियर अलग होगा तो अलग क्या होगा और वो कैसे करूँगा, रोज़ रात को लिखता हूँ सोने के पहले अपना विक्ट्री बुक। आज 55 का हो गया हूँ और लगातार अपने आप को सुधार रहा हूँ, मैं तो अराइविंग हूँ, अभी तक अराइव्ड नहीं हूँ, तो जवान रहना है, क्योंकि आप जवान रहेंगे तो ही आप रेलेवेंट रहेंगे, आप बूढ़े हो गए तो आपकी बीवी बच्चे आपको कुत्तों की माँ पर ट्रीट करेंगे, आपके दोस्त लोग, हम कहीं हमारे गेट टुगेदर में जाते हैं, हम लोग स्कूल के गेट टुगेदर में जाते हैं, कॉलेज के गेट टुगेदर, मैं उनकी कभी कभी बातें सुनता हूँ, सब बूढ़े हो गए, सब डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, आप बोलते हैं अभी क्या रह गया जीवन में, अभी तो बच्चों के माध्यम से ही जीना है, और मैं सोचता अभी तो मैं कच्ची कली हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैंने अंगड़ाई ली नहीं है, अभी तो मेरे को और 65 साल काम करने हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े काम करने, 10,000 वीडियोज़ बनाने हैं मेरे को, 1,000 किताब लिखनी है, और बहुत सारे मेरे सपने हैं, उन सबको पूरा करना है, तो पूरा करने के लिए तो जवान रहना पड़ेगा, और जब तक आपके पास गोल रहेगा तब तक आप जवान रहेंगे, और यही है काम। एक व्यूअर ने प्रश्न किया है सर उन्होंने बोला है कि सर अपनी मीटिंग में कई बार गाली का इस्तेमाल करते हैं लेकिन मजा बहुत आता है। देखिए मैं तो एक परफॉर्मर हूं, ओमकारा में अगर ओमकारा पिक्चर देखें तो सैफ अली खान को सभी माँ बहन की गाली देने के लिए बताया गया, तो जब भी मैं कोई कंपनी में जाता हूँ, मिसाल के तौर पे जब मैं MLM कंपनी में जाता हूँ तो मुझे वहाँ के लीडर बोलते सर आप माँ बहन की फुल गाली दे दीजिए। अच्छा, और कोई कोई ऐसे, जैसे अभी मैं जयपुर में था थोड़े दिन पहले की बात कर रहा हूँ, और मुझे बिल्कुल संकोच नहीं है इस बात को बताने में, कंपनी जो है जयपुर में अपना, ये क्या लास्ट वीक में ही मैं वहाँ पर था, हाँ गोकुल कृपा, गोकुल कृपा जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में है, मुझे लिख के भेजा गया नायर साहब गाली बिल्कुल नहीं यूज़ करना। अच्छा, ओके, लिखा हुआ मेरे पास, अभी मैं फाइल निकाल के दिखा सकता हूँ, एक वर्ड, हम सुबह 10 बजे से 5 बजे तक बात कर रहे थे, मजा ले एक वर्ड निकल जावे मुंह से, जब हम ब्लो प्लास्ट में काम करते तो सीनियर लीडर्स का ट्रेनिंग करते थे वाइस प्रेसिडेंट, तो मेरे को राव साहब बोलते थे वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट, इनके साथ आपको बिल्कुल गाली नहीं देना, और फिर डीलरों की मीटिंग होती थी तो बोलते नायर साहब गाली के सिवा कोई बात ही नहीं करना, हम तो एक्टर हैं, हमें जैसे बताया गया है, हमको गाली देने को बोला तो हम गाली देंगे, हमको कपड़े निकालने बोला तो हम कपड़े निकालेंगे, हमको जो बोला है हम करेंगे, हम तो एक्टर हैं, हमको तो लोगों तक मैसेज को पहुंचाना है, जिस भाषा में वो समझ में आए, अगर वो माँ बहन की भाषा समझता तो हम होलसेल में माँ बहन की गाली देंगे, अगर वो नरमी की भाषा समझता है, गर्मी की भाषा समझता है, टफनेस की भाषा समझता है, भाषा से हमें उसे सुधारना है,
तो मुझे कोई संकोच नहीं है, मेरा गाली देना एक आदत नहीं है, बट गालियों का इस्तेमाल मैं लोगों के दिल को जीतने के लिए, क्योंकि मेरे गाली देने के तरीके में भी एक बहुत ज़बरदस्त मिठास है, एक मधुरता है उसमें, एक आनंद है, क्योंकि मुझे गाली देने में बड़ा आनंद आता है, ताकि किसी को बुरा ना लगे वैसा वाला गाली कभी. अच्छा मैं, अच्छा दूसरी बात, मेरे चक्कर में पड़ना नहीं. बहुत सारे लोगों ने मेरी स्टाइल को कॉपी किया और लोगों ने उन्हें रिजेक्ट किया. क्यों? क्योंकि आज 35 साल से कंटिन्यूसली पढ़ाई लिखाई करके अपने आप को लगातार अपग्रेड करते हुए संघर्ष में जीवन, मैं 15-18 घंटे काम करके संघर्ष में जीवन को जीने के बाद जब मैं गाली देता हूँ तो उसे मालूम है उस आदमी को, ये नायर साहब मेरी भलाई के लिए बोल रहे हैं. लेकिन जब उस आदमी में मुझ में सच्चाई नहीं दिखती तो फिर वो गाली को गाली करके लेगा. और बहुत सारे लोग मेरे स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ना कीजिए. मैं कभी किसी को प्रोत्साहित नहीं करता हूँ मेरी आदतों को फॉलो करने के लिए. वंडरफुल सर. लास्ट में सर, रैपिड फायर क्वेश्चंस प्लीज. संतोष नायर साहब की एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस. स्ट्रेंथ है सॉलिड कम्युनिकेशन, वीकनेस ये है कि बहुत क्विक डिसीजन लेता हूँ, सोचता नहीं हूँ ज़्यादा, और उससे बड़ा नुकसान होता है. हाँ हाँ हाँ, 100 में से 80 चीज़ गलत हो जाते हैं, 20 मस्त चल जाते हैं और 20 का नतीजा हूँ आज, तो उस बात का भी अफसोस नहीं है, अफसोस नहीं है, लेकिन बहुत कभी कभी सोचता हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा सुन लो ऐसा. बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा है सर, आप बुक्स को इतना रिकमेंड करते हैं एजुकेशन की जैसे बातचीत की, तो नायर साहब की जो सबसे फेवरेट बुक है वो कौन सी है? अचीवमेंट चैलेंज बोल के बुक जो 1992 में मुझे मिला एज ए गिफ्ट फ्रॉम डॉन बेवरेज साहब, जिन्होंने किताब लिखी थी, वो इंडिया में आए थे, दी अचीवमेंट चैलेंज हाउ टू बी अ 10 इन बिजनेस, उसमें 12 के 12 चैप्टर को मैंने ऐसे चार्ट के अपने अंदर डाल दिया. आप वो बुक को पढ़ो या मुझे मिलो, दोनों एक ही है. इट इज़ नोन एज अ स्टेज ऑफ इंटरनलाइजेशन. इंटरनलाइजेशन का मतलब वो बुक मैं हूँ और मैं वो बुक हूँ. दूसरी एक बुक जो है सुब्रोटो बागची साहब जो है, उन्होंने लिखा था द एलिफेंट कैचर्स बोल के. वो कहते हैं हाथियों को पकड़ना और रैबिट्स को पकड़ना, रैबिट को हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम है? खरगोश. खरगोश को पकड़ने के लिए एंथुजियाज्म और आवाज़ की जरूरत लगती है, और आप खरगोश को पकड़ सकते हैं, लेकिन हाथी को पकड़ने के लिए सिस्टम चाहिए. सिस्टम प्रोसेस होती है, तैयारी होती है. तो एलिफेंट कैच करना है या रैबिट को कैच करना है, एलिफेंट यानी बड़ा चीज करना है, तो सिस्टम फॉलो कीजिए, आदतों के सिस्टम को फॉलो कीजिए. रैबिट करना है जैसे चलते चलते मार के गिरा सकते हो, तो एलिफेंट कैचर्स का बुक बहुत प्रभावित किया मुझे सुब्रोटो बागची साहब. आपने भी कुछ बुक्स लिखी हैं सर? मैंने ये बहुत सुंदर बुक लिखी है 11 कमांडमेंट्स ऑफ लाइफ मैक्सिमाइजेशन, जिसको जैको ने पब्लिश किया था और ये बेस्ट सेलर बना था. अभी CNBC TV18 मेरा सेकेंड बुक पब्लिश कर रहा है, वाई डू एंटरप्रेन्योर्स मिस द बस. इसका हिंदी वर्जन, हिंदी में भी है ये, गुजराती में भी है, मलयालम में भी है और मराठी में भी है, 5 लैंग्वेजेस में है. 11 कमांडमेंट्स ऑफ लाइफ मैक्सिमाइजेशन अवेलेबल है सर? ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है हमारे ऑनलाइन जो संतोष www.santoshnair.in/sales उसमें ये ऑनलाइन भी अवेलेबल. डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेंगे सर, पूरा वेबसाइट का भी और बुक का भी लिंक हम डालेंगे, व्यूअर्स वहां से जाके इसको बाय कर सकते हैं. और बहुत सारे CDs है, 300 CD है. अगर आप संतोष नायर ऑनलाइन एकेडमी में जाएंगे तो आप, और हर क्षेत्र में मैंने बात किया, लीडरशिप के ऊपर, सेल्स के ऊपर, ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, चेंज के ऊपर, सेल्स के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर मैंने बात किया है. और यूट्यूब में खाली मत जाइए, यूट्यूब में तो 10 मिनट 15 मिनट का ही होता है, उससे अगर जीवन बदल सकता तो सोचिए. एक एक सब्जेक्ट पर मैंने 4-4 घंटे बात की है, सब्जेक्ट की पूरी गहराई को आपको अंदर लेना है. मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ सर, मैं बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है, ट्रेनिंग मेरा पैसन रहा है, देना नहीं स्पेशली लेना. आपके पास जो कंटेंट है सर, वो जो समुंदर है, मैंने आपको रिपीट करते हुए नहीं देखा चीज़ों को, तो वो इतनी सारी चीज़ें कैसे आप याद करते हैं और कैसे कर पाते हैं सर? हमारा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है टाइगर, एंड दैट इज़ वाई
हम लोग नाम रखते हैं टाइगर, टी आई जी ई आर, टी फॉर टफ, आई फॉर इंजीनियर्स, जी फॉर गो गेटर, ई फॉर एंटरप्राइजिंग एंड रिसोर्सफुल। ये हमारा 14 सेशन का जो टाइगर प्रोग्राम है इसमें मेमोरी टेक्निक सिखाते हैं। 1994 में मैंने मेमोरी टेक्निक सीखा था और उसमें IRA टेक्निक होता है, इंप्रेशन, रिपीटेशन, एसोसिएशन, और ये सभी चीज़ें सीखने के बाद चीज़ों को याद रखने की कलाकारी हमने डेवलप की। और जब आप कमिटेड है लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, दिल से जब आप कमिटेड है तो दिल से आप पढ़ते हैं, दिल से आप लिखते हैं, दिल से आप बोलते हैं, और भगवान जो है ना ऊपर वाला अंदर आ जाता है और वो बात करता है। जब आप दिल से कोई भी काम करोगे, दिमाग से नहीं, दिल से, जब आप दिल से काम करते हैं तो ऊपर वाला तो जरिया बनाता है अपने आप को अंदर आने का और वो याद दिला। याद नहीं रखोगे तो एन वक्त पे बाहर कैसे आएगा? एन वक्त पे बात नहीं, बाहर नहीं आया तो कम्युनिकेशन में आप, कम्युनिकेशन के बावजूद भी आप इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे। तो ये मेमोरी टेक्निक, मेमोरी को ट्रेन किया जा सकता है, मेमोरी को ट्रेन किया जा सकता है, और मेमोरी को जो आदमी ट्रेन करता है उसका ही मेमोरी अच्छा। जैसे जॉगिंग करके पैरों को ट्रेन किया जा सकता है, मेडिटेशन करके यू नो माइंड को ट्रेन किया जा सकता है, किताबें पढ़ के मसाला दिया जा सकता है, उसी तरह से माइंड को भी धार दिया जा सकता है, मेमोरी को भी धार दिया जा सकता है। योर फेवरेट कोटेशन, कोई पर्टिकुलर एक कोटेशन है? जिसका बात एक उसका बाप एक, और दूसरा ऑल प्रोग्रेस स्टार्ट्स बाय टेलिंग द ट्रुथ, और तीसरा ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है। आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं सर, आप किसको करते हैं, आपका मेंटर कौन है? लाइक मेरे अगर देखेंगे तीन मेंटर्स रहे हैं इस 35 साल में जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रभाव किया है, ऐसे तो हजारों लोग हैं। सबसे पहला मेरा मेंटर अगर रहा तो जिग जिगलर साहब, तो जिग जिगलर साहब जो सेल्स के और मोटिवेशन के सबसे बड़े गुरु हैं, उनका बोलना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वो कैसे बोलते हैं वत्स साहब, ऐसी बात करते इतनी मधुरता के साथ, इतनी इंस्पायरिंग उनकी बातें हैं। तो पहला तो जिग जिगलर का मैंने जितने किताबें हैं, ऑडियो है, वीडियो है, सब मैंने खरीद लिया, पढ़ लिया। तो सेल्स जो था और सेल्स मैनेजमेंट जो है उसमें मेरे को उन्होंने बहुत बड़ा प्रभाव किया, तो पहला प्रभाव उन्होंने किया। उसके बाद मैं 96 में ट्रांसफॉर्मेशन, और मैं 96 में यानी 25 साल पहले मैं ट्रेनिंग में आया, एकमात्र ट्रेनर हूँ जो इंडिया का 25 साल से राज कर रहा है। आज भी लोग मान सम्मान करते हैं, टच वुड, आज भी लोग बुलाते हैं 25 ईयर्स, और मुझे इस बात का गर्व है कि आज हजारों नए लड़के लड़कियाँ हमारे प्रोफेशन में आ गए, फिर भी आज भी हमें बहुत लोग बुलाते हैं। तो ये जो दूसरी बात जो मैं बता रहा था, क्या बता रहा था मैं, मेंटर की बात कर रहे थे। हाँ, तो सेकंड जो मेरा मेंटर रहा है वो है जोएल बार्कर, अमेरिकन चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन के गुरु। आज मैं अगर लोगों को प्रभावित कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, परिवर्तित कर सकता हूँ, रूपांतरण कर सकता हूँ, तो वो उनकी बदौलत है, उनकी नॉलेज की बदौलत है। उन्होंने पैराडाइम्स और दायरे में कैसे आदमी काम करते हैं, उनकी जितनी वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, बुक्स हैं, सब पढ़ डाली। तो सेकंड जो है जोएल बार्कर साहब, और थर्ड जो एंटरप्रेन्योरशिप की, जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप धंधे वाले को ट्रेन करके आगे बढ़ने की जो कलाकारी है, उसमें मेरा जो मेंटर है वो डैन सलिवान रहा। तो अगर जिग जिगलर, जोएल बार्कर और डैन सलिवान, इसके बीच में मुझे पब्लिक स्पीकिंग सिखाने वाले प्रमोद पालेकर साहब, मुझे पब्लिक स्पीकिंग और बाकी चीज़ सिखाने वाले अपरेश आचार्य साहब, मुझे बहुत सारे वर्न हार्नी साहब, रॉजर हैमिल्टन, और ऐसे कई हजारों लोग हैं, ब्रायन ट्रेसी साहब, जैक डेली, अल्फ्रेड टैग, जॉर्ज टैग, स्टीफन हाइमन, किंडलर ब्रदर्स, ये सभी लोगों ने, सुब्रोटो बागची, सेल्स के जितने भी गुरु लोग, सेल्स मैनेजमेंट के जितने गुरु लोग, सेल्स लीडरशिप के गुरु लोग, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जिन्होंने भी किताब लिखा है, मैंने बहुत सारे किताबें पढ़ी है, और ये सभी लोगों ने मुझे अलग अलग तरीके से प्रभावित किया है। लेकिन ये तीनों का नाम मैं हमेशा लेता हूँ। डॉन बेवरेज का जो पहला किताब जो मैंने तो लाइफ में 92 में उनको पहली बार मिला था,
उन्होंने जो किताब दी थी अचीवमेंट चैलेंज, वो उनका जो किताब है उसने तो मेरा पूरी लाइफ की सोच को ही बदल डाला। आप अभी जैसे बात कर रहे थे, आप 25 साल से ट्रेनिंग के फील्ड में और आज बहुत सारे ट्रेनर्स हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे अमिताभ बच्चन का एक अलग स्थान है ना सर, बाकी कोई भी आ जाए लेकिन अमिताभ बच्चन का स्थान कोई नहीं ले पाएगा, तो आप सर हमारी इंडस्ट्री के, ट्रेनिंग इंडस्ट्री के स्पेशली आप बच्चन हैं मोगैम्बो खुश हुआ अमिताभ बच्चन मेरे रोल मॉडल रहे हैं, अमिताभ बच्चन का फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता हूँ। आप हमारे इस इंडस्ट्री के बच्चे नजर, हाँ मतलब मैं उनकी हर, मतलब 78 में वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, नई नई रोल्स कर रहे हैं, इतना निराले निराले, कभी पीकू करते हैं तो कभी ओरो का रोल करते हैं, यू नो है ना, यू नो क्या क्या नहीं करते बाप रे। और ये अगर हम उनका 1/10 भी कर ले तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे। तो अमिताभ बच्चन, ये इंडस्ट्री का अमिताभ बच्चन करके घोषित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। Any regret of your life, sir? कुछ ऐसा है कि कुछ मिसिंग है कि 55 साल तक, हाँ 55 साल तक ये नहीं कर पाया? कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने सेल्स को बहुत सीरियसली ले लिया, therefore मार्केटिंग के ऊपर कभी काम नहीं किया। मैंने कभी अपने आप को प्रमोट नहीं किया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ आई एम द लार्जेस्ट प्राइवेटली सर्कुलेटेड पब्लिक फिगर, मतलब जो मेरे को जानते हैं वो जानते हैं और नहीं जानते वो नहीं जानते, और मैंने उनको जानवाने का कोशिश भी नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मसाला होने के बावजूद भी हमने अपने आप को फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, क्या बोलते हैं, बाकी माध्यम में मैंने अपने आप को नहीं दर्शाया, और काफ़ी शाय रहा हूँ, शर्मिला रहा हूँ, स्टेज की बात अलग है और, लेकिन अदरवाइज काफ़ी अपने आप को प्रमोट करने में मेरे को बड़ी हिचकिचाहट होती है। मैं तोप हूँ, मैं फटाकड़ी हूँ, मैं AK-47 हूँ, मैं लक्ष्मी बॉम्ब हूँ, मैं एटम बॉम्ब हूँ, ऐसा बोलने में स्टेज में ठीक है, लेकिन उसे हमने वैसा प्रमोट नहीं किया। करना चाहे तो कर सकते थे, लेकिन वो एक बहुत बड़ा अफसोस रहा है। करेंगे, मैं सीरियसली बताऊँ सर आपको, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये बात, लोग आपको इतना चाहते हैं, ग्राउंड से हम लोग जुड़े रहते हैं, मतलब इतना चाहते हैं वो, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने भगवान के साथ में आपका फोटो लगाया हुआ है, इतना प्यार करते हैं और उनकी लाइफ में उतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सर। सुना है मैंने ये बातें कि भगवान के बाजू में मेरे फोटो लगे हुए बहुत सारे लोग हैं, ये तो ऊपर वाले की देन है। और कुछ लोगों ने प्रश्न किया था, मैं बहुत सारे प्रश्न थे मैं ले नहीं पाया क्योंकि टाइम की लिमिट, किसी और दिन कर लेंगे। एक प्रश्न किसी ने पूछा सर कि नायर साहब इतने जोश से बातचीत करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो वो अगर पॉलिटिक्स में आ जाएं तो इंडिया को पूरा मोटिवेट कर देंगे और फिर हम फाड़ डालेंगे दुनिया को। वेल, वो भी एक सोच है, किसी दिन उस दिशा में नहीं सोचा, ऐसी बात नहीं है, एक दिन और आऊँगा तो भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आऊँगा, लेकिन कभी कभी डर लगता है क्योंकि अमिताभ बच्चन भी जाके वापस आ गया और वो अपना रोल मॉडल है, वो भी लिबरन है, हम भी लिबरन हैं, तो मालूम नहीं हम जैसे बैलेंस करने वाले अच्छे इंसानों के लिए पॉलिटिक्स, जिसमें बहुत सारी अच्छी बुरी बातें होती है, उसमें हम जम पाएंगे कि नहीं, इसका विचार हमने किया नहीं है। ऐसा नहीं है, विचार तो आता है कहीं बाहर, बहुत दर्द होता है बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद, लेकिन क्या मालूम, ज़िंदगी ने अगर चाहा और ऊपर वाले ने चाहा और दुनिया ने चाहा, और अगर वो मेरे डेस्टिनी में लिखा है तो वो भी कर लेंगे सर। मौका है, कमिटमेंट कर लीजिए। देखिए वो एरिया में मैं जाना अभी तक तो नहीं चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने अभी मन बनाया नहीं है। बाकी बहुत सारा भी स्मार्ट जो ट्रेनिंग कंपनी है, जिसके बारे में अगर मैं आपको 2 मिनट बताऊं, तो स्मार्ट जो है, हर आदमी स्मार्ट संतोष नायर को जानता है, लेकिन स्मार्ट जो मेरी कंपनी है वो हम लोग उसमें बहुत सारे चीज़ें करते हैं। हम लोग सबसे पहला 2000 में 20 साल पहले जब स्मार्ट शुरू हुई थी, हमने कॉरपोरेट ट्रेनिंग से शुरू किया था, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोको कोला, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, मर्सिडीज बेंज, हुंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एशियन पेंट्स, सभी को हम लोग ट्रेन करते थे, और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जितने भी 30 कंपनियां हैं सभी को हम लोग ने ट्रेन किया है, MLM में जितने भी कंपनियां हैं सबको ट्रेन किया। तो कॉरपोरेट ट्रेनिंग से हम लोग धन सन 2002-2003-04 में हम लोग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स की तरफ आ गए।
छोटे धंधे वाले 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ वाले, 2000 करोड़ से नीचे जो टर्नओवर वाले लोग हैं उनके साथ हम लोग डायरेक्टली काम करते हैं। हमारा एंटरप्रेन्योर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है। मेरा ये मानना है कि एक धंधा और एक धंधे वाला 6 स्टेज से गुजरता है। ग्रोपिंग स्टेज, अर्ली सक्सेस, ग्रोथ एक्सेलरेशन, रीओरिएंटेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन एंड लिबरेशन। 0 to 2 years, 2 to 5 years, 5 to 10 years, 10 to 20 years, 20 to 35 years एंड 35 years अराउंड। ये 6 स्टेजेस होते हैं और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो 6 स्टेजेस है जो एक धंधे वाला गुजरता है, ग्रोपिंग स्टेज, अर्ली सक्सेस, हर स्टेज के लिए हमारे पास अलग अलग प्रोग्राम है, ट्रेनिंग मॉड्यूल है। ये जैसे ये 6 महीने का ओरिएंटेशन गुरुकुल है, फाउंडेशन गुरुकुल है, एंटरप्रेन्योर गुरुकुल है, एडवांस गुरुकुल है, मास्टर्स गुरुकुल है, निर्वाणा गुरुकुल है। ये हम लोग धंधे वालों के, तो लोग ये फाउंडेशन गुरुकुल में आते हैं, उसके बाद एंटरप्रेन्योर गुरुकुल में आते हैं, उसके बाद एडवांस गुरुकुल में आते हैं और दिल्ली में, बम्बई में, पुणे में, नासिक में, राजकोट में, अहमदाबाद में, यू नो हैदराबाद में, कैलिकट में, कोचिन में, नासिक में, सूरत में, राजकोट, जामनगर, सभी जगह पे हमारी ब्रांचेस है और वहाँ पर हम लोग बहुत एक्टिवली धंधे वालों के साथ काम करते हैं। एक डिवीजन हमारा ये है इंटरप्राइज ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपका कंपनी है तो कंपनी में सिस्टम डालना है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम डालना है, फाइनेंस के सिस्टम डालने हैं, प्रोसेस डालने हैं, वो सब भी है। एक हमारी जो कंपनी है वो है यू नो रिक्रूटमेंट की कंपनी है, स्मार्ट राइट चॉइस बोल के, हम स्मार्ट युवा बोल के कंपनी है जो यूथ के लिए बहुत कुछ काम करने के लिए शुरू किया हुआ है। तो एक हमारा कंपनी है संतोष नायर्स कॉन्फिडेंस कैफे, जो बच्चों के लिए है, जो 8 से 13 बरस, 14 बरस से 17 बरस और 18 बरस से 25 बरस के बच्चों के लिए कॉन्फिडेंस को मल्टीप्लाई करने का हमने सिलसिला शुरू किया। ऐसे मतलब बहुत सारे डिविजन्स हैं हमारे यू नो, और स्मार्ट मार्केटर्स बोल के हैं और एक फाउंडेशन भी हम लोग बनाना चाहते हैं अभी, जो अंडर प्रिविलेज लेडीज़ के लिए हम लोग काम करना चाहेंगे। ऐसे बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशनल काम करते हैं, लेकिन फेमस हूँ मोटिवेशनल स्पीचेस के लिए, इसके लिए शायद ये सब के बारे में लोग नहीं जानते। तो आपके इस चैनल के माध्यम से, चैट विद सुरेंद्र वत्स के चैनल के माध्यम से भी मैं चाहूँगा कि दुनिया में हर आदमी स्मार्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी के वेबसाइट पर जाए और हम लोग क्या क्या कारनामे करते हैं, किस किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशनल वर्क करते हैं, ये आप समझ सकेंगे। जैसा मैंने बताया कि सर का जो वेबसाइट है वो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में आपको वही नज़र आने वाला है, सो आप जाइए और ये सारे कोर्सेज पे आप काम कीजिए। और जैसे अभी बातचीत हो रही थी कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप कोई भी काम करें किसी भी फील्ड में है, सो एजुकेशन से शुरुआत करनी पड़ेगी और वो एक इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर, और वो वहाँ पर जाके वो सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। सर ये एक दो चीज़ें मैं लास्ट में कहना चाह रहा हूँ आपसे, उम्मीदें बहुत हैं सर देश को, मतलब पहले तो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को थी, अब देश के युवाओं को है और लोग इतना उम्मीद कर रहे हैं कि आप अगर पॉलिटिक्स में आ गए तो वहाँ भी कुछ ना कुछ बदलाव कर देंगे आप, जिस प्रकार की आपकी नेचर रही है। तो आपकी सेवाएं और आपका आशीर्वाद हमें आगे भी चाहिए सर, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे अपना ये आशीर्वाद यूँ ही बनाए रहिए सर। थैंक यू वेरी मच। मैं सुरेंद्र वत्स साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और यू नो चैट विद सुरेंद्र वत्स का ये प्रोग्राम और इसके अंदर जितने भी लोग आए और आने वाले दिनों में जितने लोग आने वाले हैं और नई नई चीज़ें, सुरेंद्र वत्स यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, जैसा मैं देख रहा हूँ उनकी आँखों में, वो यहाँ रुकने वाला नहीं है। बहुत ही बड़ा, उम्दा और गहरा काम अभी तो इन्होंने अंगड़ाई ली है, अभी तो ये ट्रेलर भी नहीं दिखाए हैं, पिक्चर तो लंबी बात है, अभी तो ट्रेलर भी नहीं दिखाया है कि ये लोग क्या कर सकते हैं और ये वो कर सके। इसके लिए भगवान उनको वो शक्ति देवे, वो कॉन्फिडेंस देवे, वो एनर्जी देवे, वो उत्साह देवे और वो प्रज्ञा और विजडम देवे, जिससे कि वो करोड़ों लोगों तक, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे एशिया में, पूरे वर्ल्ड में, यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में और सब जगह पे इनका चैनल पहुँचे और इनका नाम पहुँचे और ये विश्व रूपी लीडर बने और विश्व में बहुत ही बड़ा परिवर्तन करने का, रूपांतरण करने का काम और ठेका जो इन्होंने लिया है, इसमें हमेशा इनका हेल्थ भी और एनर्जी भी बना रहे, ऐसे प्रार्थना करता हूँ। और थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लवली यू नो मॉर्निंग विथ मी एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। आप लोग यू नो बहुत लंबे टाइम से मेरे को सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ये थे श्री संतोष नायर साहब,
मोटिवेशन तो एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम लोग जानते हैं, कितना बड़ा कंपनी रन कर रहे हैं, कितने सारे लोगों की जिंदगी बदले हैं, और अभी तो 55 इयर्स के हैं, 65 इयर्स और बड़ा काम करने का इरादा रखते हैं। सो अगले मंगलवार रात 8 बजे फिर हम एक नई शख्सियत से मिलने वाले हैं। इसी प्रकार अपना प्यार और भरोसा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।